हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दर दर भटक रहे हैं पानी के लिए जंगली जानवर और गौ माता। बांध के चारों ओर तार बंदी, कौन करेगा कार्रवाई? सरकार के रोक के बाद भी हजारों बीघे में फसल का अतिक्रमण। जानवरों के पानी लिए एक ही जरिया है पोसितरा बांध। सिरोही तहसील के बड़े बांधों में शुमार इशपोर्ची पोसितरा बांध शरीफ कहने के लिए आज के समय है, क्योंकि जो बांध का भराव और जमीन पर अवैध फसल का लाभ उठाते वाके लोग पीछे नहीं हटते दिखते हैं। मगर बांध के गौचर भूमि का जिन जंगली जानवर और जीव जंतुओं का हक था, उस पर लोगों ने अपने कमाई का जरिया बना रखा है। गौ माता, जंगली जानवर और छोटे मोटे जीव जंतुओं को पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं पानी होने के बाद भी, और पानी नसीबों नहीं है, क्योंकि कम से कम 1000 बीघे जमीन से ज्यादा पूरे बांध में अतिक्रमण किया है। सरकार के आदेशों का पालन नहीं, इसका जिम्मेदार कौन? सरकार के आदेशों का हुआ कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के अनुसार 4 सालों से सरकार ने बांधों में कोई खेती नहीं कर सकेगा, और उससे बाद भी सरकार के आदेशों का पालन नहीं हुई और हजारों बीघे में फसल का अतिक्रमण हुआ। और अब इन अवैध फसल का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जंगली जानवर और गौ माता और जीव जंतुओं को पानी का रास्ता मिलेगा। बांध के चारों ओर मजबूत तार बंदी, कोई नहीं आ पाएगा अंदर। अवैध फसल के अतिक्रमण के साथ साथ पूरे बांध में मजबूत तार बंदी की हुई है कि कोई जानवर और गौ माता अंदर नहीं आएगी। तार बंदी करने से दर दर भटक रहे हैं पानी के लिए, कब होगी कानूनी कार्रवाई? आसपास गांव के जंगली जानवर और जीव जंतुओं का एक ही जरिया है पोसितरा बांध पानी के लिए, मगर फिर भी पानी होने के बाद भी पानी नसीबों में नहीं है। क्या कहते हैं उपखंड अधिकारी सिरोही रमेश चंद्र बहेड़िया, इसका पता करते हैं और पता करके कार्रवाई करते हैं। क्या कहते हैं नायब तहसीलदार कालंद्री जगदीश कुमार, जरूर कार्रवाई करेंगे। जिस हलके में बांध में अवैध फसल का अतिक्रमण हुआ है, वहां के पटवारी को मौके पर भेजकर जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे। क्या कहते हैं सिंचाई विभाग के JEN आशीष कुमार, हमें जानकारी मिली है और जिन जिन लोगों ने बांध में अवैध फसल का अतिक्रमण किया है तार बंदी, उनको नोटिस जारी किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी करेंगी। जागरूक टीवी के नगाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।